फ्रेंड्स आज हम बात करते हैं विक्टोरियन पीरियड की 1837 से 1901 सौ एक फ्रेंड्स आज हम बात कर लेते हैं विक्टोरियन पीरियड की तो इसमें जो विक्टोरियन इरा है उसको हम बात करेंगे द विक्टोरियन पीरियड वाज द पीरियड ऑफ क्यून विक्टोरिया इट स्टार्टेड फ्रॉम 20 जून 1837. एंड लास्टेड इट टिल द डेथ ऑफ Queen विक्टोरिया 22 टू जनवरी नाइनटीन जीरो अठारह सौ बीस जून अठारह सौ सैंतीस से और बाईस जनवरी उन्नीस सौ एक तक महारानी विक्टोरिया का साम्राज्य था और उसी को ही विक्टोरियन पीरियड कहते हैं विक्टोरियन पीरियड वाज द लॉन्गेस्ट पीरियड इन ब्रिटिश हिस्ट्री जो ब्रिटिश इतिहास है उसमें सबसे लंबा पीरियड कहा जाता है क्यून विक्टोरिया वास 18 वी सी बी कम क्यून जब वो 18 वर्ष की थी तो उन्हें रानी बनाया गया था प्री रेफेलाइट मूवमेंट्स फ्रेंड्स इसके अंतर्गत प्री रेफेलाइट मूवमेंट्स आते हैं 1848 से 1860 तक रहा और इट वॉज आल्सो कार्ड पी यानी इसे आ, प्री रेफेलाइटाइज ब्रदरहुड भी कहा फ्रेंड्स इसके जो पीआरबी के सदस्य थे तो विलियम हॉलमैन हंट जॉन एबरेटी एब्रेट मिलेस दाते गैब्रियल रोसेटी माइकल गैब्रियल सॉरी माइक विलियम माइकल रोसेटी जेम्स कोलिशन फ्रेडरिक जॉर्ज स्टीफेंसन एंड थॉमस बुलनर द मेन फीचर्स ऑफ दिस इरा दिस आर मेडिवलिज्म सिम्बोलिज्म सेंसुअसनेस ट्रथफफुलनेस एंड सिंपल्सिटी फ्रेंड्स आगे हम बात कर लेते हैं 1880 से 1901 तक का जो पीरियड है उससे एस्थेटिक एंड डिकडेंस कहा जाता है अब सम इम्पोर्टेंट राइटर ऑफ विक्टोरियन पीरियड विक्टोरियन पीरियड के कुछ महत्वपूर्ण लेखकों की बात कर लेते हैं अल्फ्रेड लॉ अठारह सौ नौ से उन्नीस अठारह सौ बानवे He was he is a representative Victorian poet. He became poet laureate after the death of Wordsworth in 1850 by Queen Victoria. His important works. He was 17. Tennyson collaborated with with his elder brother Charles in poem. Friends. बाई टू ब्रादर्स एक टू ब्रादर नाम से पोएम आई थी तो उसमें इन्होंने अपने भाई के साथ में कोलाबोरेसन किया था ही गोट प्राइज फॉर टिम्बर टू हिस्स पोएम्स चीफली लिरिकल अठारह सौ तीस में आई यूलीज लॉक्स लॉक्स uh, सेले हेल पोइम्स <laughs> अठारह सौ तैंतीस पोइम्स अठारह सौ बयालीस बोथवर कलेक्शन दोनों कलेक्शन थे द प्रिसेस अठारह सौ सैंतालीस मार्ड एंड अदर पोएम्स जो एक मोनोड्रामा थी 1855 में आई इन मेमोरियम 1800 फ्रेंड्स ये इन मेमोरियम जो है वो 1850 में आई क्रॉसिंग द बार अठारह में आई फ्रेंड्स इन मेमोरियम इन्होंने अपने फ्रेंड्स जो इनके फ्रेंड्स थे आर्थर हालम उनकी डेथ पर लिखी थी फ्रेंड्स चार्ल्स डिगेंस की बात कर लेते हैं 1812 से 1870 इन्होंने पिक पेपर द पिक पेपर्स ओलिबर ट्यूस्ट डेविड कोबरफील्ड ब्लिक हाउस अटेल ऑफ टू सिटीज़ द ओल्ड क्रिस्टी क्यूरियसिटी शॉप फ्रेंड्स के बाद रॉबर्ट ब्राउनिंग ये ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाने जाते हैं पाउलिन अठारह सौ तैंतीस सॉर सॉरडेलो अठारह सौ चालीस पिपा पासिस अठारह सौ इकतालीस ड्रामेटिक लिरिक्स अठारह सौ बयालीस मैन एंड वूमेन अठारह सौ पचपन ड्रामेटिस परसोने अठारह सौ चौसठ रबी बेन इजरा माई लास्ट डेसेज फ्रेंड्स ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है फ्रेंड्स आगे हम बात कर लेते हैं थॉमस हार्डी की थॉमस हार्डी अंडर द ग्रीन बुड ट्री फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड अठारह सौ चौहत्तर अंडर द ग्रीन ट्री अठारह सौ बहत्तर और द रिटर्न ऑफ़ द नेटिव फ्रेंड्स अठारह सौ अठहत्तर द मेयर ऑफ कैस्टरबरीज अठारह सौ छियासी टीस ऑफ द डी और बी और बीर बाइल्स फ्रेंड्स अठारह सौ इक्यानवे जूट द एब्सक्यूट अठारह सौ पचानवे जॉर्ज बर्नाड्सा की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स आर्म्स एंड मैन अठारह सौ उनचास बैरन प्रोफेसर उन्नीस और यू नेबर कान टेल अठारह फ्रेंड्स आगे हम बात कर लेते हैं मेथ्यू की. मैथ्यू अर्नॉलॉल्ड जो हैं 1822 और 1888 इनका पीरियड है दर एंड अदर पोइम्स अट्ठारह सौ उनचास इम एंड एटना अदर पोइम्स अठारह सौ बावन सौराव एंडम अठारह सौ तिरपन द स्कॉलरशिप सी अठारह सौ तैंतीस मेमोरियल वर्सेस ये विलियम बर्ड्स की डेट पर इन्होंने लिखा था उन्हें बायरन और गोथे और बर्ड्स पर फ्रेंड्स रग्बी चैपल अठारह सौ अड़सठ थायरसिस अठारह सौ पैंसठ एसेज इन क्रिटिज़म अठारह सौ पैंसठ अठारह सौ ये दो बार इनके ऐसे आए थे कल्चर एंड एन की अठारह सौ उनहत्तर लिटरेचर एंड डोगमा फ्रेंड्स इसके बाद में इनके अदर जो इंपोर्टेंट राइटर थे इसमें कार्ल मार्क्स थे कार्ल मार्क्स फ्रेंड्स कार्ल मार्क्स की एक बेहतरीन बुक थी जिसका नाम था दास कैपिटल फ्रेंड्स इसके बाद में कई और भी राइटर रहे जैसे चार्ल्स डार्विन है चार्ल्स डार्विन चार्ल्स डार्विन ने एक छोड़ी दी थी फ्रेंड्स और एक बुक लिखी थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज स्पीसीज बाय नेचुरल सेलेक्शन फ्रेंड्स ये अठारह में इन्होंने इसे लिखा था सॉरी अठारह सौ और फ्रेंड्स इन्होंने एक और लिखा था द डिसेंट ऑफ मैन द डिसेंट द डिसेंट ऑफ मैन ये ये फ्रेंड्स 1871 में आई थी इसके बाद में एक और ये एक और इंपॉर्टेंट नाम है फ्रेंड्स जीन बैडिप्टी लेमार्क जीन डी लेमार्क इन्होंने फ्रेंड्स अठारह सो अठारह सौ नौ में फिलोसोफिक फिलोसोफिकूलोजिको सो, जूलोजिक जू, लो, जूलो, जूलो, जिक, नाम से एक बुक लिखी थी फ्रेंड्स इसके बाद में हम और बात कर लेते हैं फ्रेंड्स विक्टोरियन पीरियड में ये जो ब्राउनटे सिस्टर थी ब्राउनटे सिस्टर तो ये भी इसी में आती हैं फ्रेंड्स इन पर सेपरेट वीडियो अलग से बना दिया जाएगा और फ्रेंड्स विक्टोरियन पीरियड में जो मार्क ट्वेन थे मार्क ट्वेन मार्क ट्वेन फ्रेंड्स विक्टोरियन पीरियड में जो साम्राज्य था विक्टोरिया का महारानी विक्टोरिया का या ब्रिटिश साम्राज्य जिसे कहते हैं वो कई देशों में फैला था फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें थैंक्स फॉर वॉचिंग